साध्वी का अमर्यादित बयान। राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर जहां आज लोकसभा में भारी हंगामा हुआ, वहीं योगी सरकार में शामिल साध्वी गीता प्रधान ने राहुल गांधी का नाम लेकर बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जोरदार हमला बोला है। साध्वी गीता प्रधान केवल यही नहीं रुकी, साध्वी ने राहुल गांधी को देश से बाहर निकालने की बात केंद्र सरकार से करने की बात कही है। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि वो चुनाव आयोग और केंद्र की मोदी सरकार से मांग करती हैं कि राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश की सभी महिलाओं का अपमान किया है। अगर उन्होंने सामने आकर देश से माफ़ी नहीं मांगी तो देश की महिलाएं सड़कों पर आकर उनके खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ देंगी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश की बात करते हैं, और वहीं सदन में कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी जी रेप की बात करते हैं। ये बड़े दुख का विषय है। आज शोभनीय शब्द उन्होंने बोला है, महिलाओं पे सीधे सीधे राहुल जी ने वार किया है। मैं तो चुनाव आयोग से निवेदन करना चाहूँगी कि राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द कर दिया जाए और राहुल गांधी जी को सदन से माफ़ी मांगनी चाहिए। सदन से ही नहीं, पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। आज हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं बहुत सशक्त और मजबूत हो चुकी हैं। आज वो इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि कोई भी व्यक्ति आकर उन्हें छू नहीं सकता। वो इतनी मजबूत हैं, आज हर क्षेत्र में हमारी महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें धक्के मार के इस देश से बाहर निकालना चाहिए। मैं अपनी सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगी और चुनाव आयोग से भी निवेदन करना चाहूँगी कि उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाए और उन्हें सदन से माफ़ी मांगने के लिए मजबूर कर दिया जाए। अगर राहुल जी ऐसा नहीं करते हैं तो हम महिलाएं पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और हम निवेदन करेंगे अपनी सरकार से कि ऐसे हमारे हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसको देश से बाहर निकाला जाए। हम एक साध्वी हैं, हमने पहले भी अपने बयान में बोला था कि जो हमारे देश में रेप की घटनाएं हो रही हैं या भ्रष्टाचार हो रहा है या गुंडा राज फैला हुआ है, ये केवल और केवल कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी की ही वजह से आज हमारा देश बर्बाद हो चुका है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार आतंकवाद को खत्म करने का कार्य कर रहे हैं। आज महिलाओं को मजबूत करने का, सशक्त करने का काम मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और राहुल गांधी ने सीधे सीधे महिलाओं पे वार करने का काम किया है। महिलाएं राहुल गांधी को सदन में पहुंचकर ऐसा ना हो कि धक्के मार के खुद निकाल दी।